दिवसीय कार्य बहिष्कार आंदोलन स्थगित। सारणी मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के प्रांतीय संयोजक वी के एस परिहार ने बताया कि फोरम का कार्य बहिष्कार आंदोलन स्थगित ऊर्जा मंत्री के आह्वान पर किया गया है। विद्युत कार्मिकों के लिए आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की उपस्थिति में 18 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एक महीने के अंदर समस्त मांगों के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही हेतु आश्वासित किया है। यूनाइटेड फोरम लगातार विद्युत कर्मचारी अधिकारियों की 18 सूत्रीय मांगों पर सरकार से समाधान के प्रयास करता रहा। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के संयोजक वी के एस परिहार लगातार इसके लिए प्रांतीय दौरा कर जन जागृति का कार्य करते रहे, जिसके कारण फोरम के घटक संगठनों ने सामूहिक लड़ाई लड़ी। संगठित होकर फोरम ने सफलता प्राप्त की। फोरम के संयोजक वी के एस परिहार ने बताया कि यदि एक महीने के अंदर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुए तो पुनः हम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े होकर आंदोलन करेंगे। ऊर्जा मंत्री के साथ भोपाल में संपन्न हुई बैठक। आज की आवाज न्यूज जिला बैतूल से आशीष उगड़े की रिपोर्ट। अभी अपने विद्युत कर्मचारियों से विनम्र प्रार्थना और अपील करना चाहता हूँ। आज मेरे पास यूनियंस जो समस्याओं को लेकर आई हैं, उन समाधान समस्याओं के समाधान पर सकारात्मक चर्चा हुई और हम और यूनियंस के लोगों के साथ बैठ करके उन समस्याओं में जो समस्याओं का निराकरण संभव है, तत्काल हम एक महीने के अंदर बैठेंगे और उन बिंदुओं पर चर्चा कर उनका समाधान करेंगे। और जिन पर वित्तीय भार है या वित्तीय कठिनाई आएगी, उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा परिवार, हमारी कंपनियां उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए काम करें। हम हड़ताल करें पर हड़ताल हमको करनी चाहिए कि हम अधिक काम करेंगे, जनता के जनार्दन की सेवा करेंगे, पर हमारी ये मांग है, उनमें मैं आपकी बात से जो संभव है वो हम करेंगे। मैं अपील करता हूं कि हम ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिससे जनता जनार्दन को तकलीफ हो। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि अपनी हड़ताल वापस। मैं वी के एस परिहार, संयोजक मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स, सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारी माननीय ऊर्जा मंत्री से एक सार्थक 18 बिंदुओं पर पूर्ण चर्चा हुई, जो लगभग 2 घंटे चली। उनके द्वारा सभी बिंदुओं पर एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए सभी पे चर्चा की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि एक माह के अंदर हम सभी बिंदुओं पर आपके प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करके सभी बिंदुओं को निराकृत करेंगे। और साथ ही यह भी अपील की गई कि जो आपकी ये प्रस्तावित 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार था, उसको समाप्त किया जाए या बढ़ाया जाए। इस माननीय की अपील पर हम सभी ने, यहाँ प्रतिनिधि मंडल जो 20 लोगों का सभी वर्गों का शामिल था, सभी ने ये निर्णय लिया है कि माननीय की अपील पर विचार करते हुए हमारी प्रस्तावित जो 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार था, उसको अभी फिलहाल स्थगित किया जाता है और एक माह के अंदर हम सभी बिंदुओं पर माननीय के द्वारा जो ऊर्जा विभाग के लोग रहेंगे उनसे डिस्कशन करके सभी बिंदुओं पर निराकरण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारे प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा।